अगर कहीं पर भी गंदगी है, रुका हुआ पानी है, तो वहाँ मच्छरों को अवसर प्राप्त होता है अंडे देने का, उन्हें मौका मिलता है वहाँ घर बनाने का। लेकिन एक बहती हुई धारा में या साफ सुथरी जगह पर मच्छर की प्रवेशता नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अगर अंदर कमजोरी है तो ही माया आएगी। अगर अंदर बेवजह की बात पर हमने अपनी बुद्धि को थाम रखा है, अतीत में अपने आप को रोक रखा है, बेवजह की बातों में अपने आप को स्थिर कर दिया है, तो माया की प्रवेशता अवश्य होगी। 25 जनवरी 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली, यादगार कायम करने की विधि। तो यादगार कायम करने के लिए तो एक ही माध्यम है, बाबा की याद। बाबा ने कहा, जिस प्रकार अगर शरीर दुरुस्त नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो कोई भी बीमारी या वायुमंडल का असर, वायु का असर शरीर पर आसानी से हो जाता है और बीमारियां हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मन की स्थिति में वो शक्ति नहीं है, तो आसपास की जितनी परिस्थितियां हैं वो अपने आप को हमारी मन की स्थिति बना लेती है। बाबा ने कहा, वायुमंडल तो केवल एक रचना है, रचयिता तो तुम हो। एक आत्मा ही अपने विचारों से वायुमंडल की रचना करती है। तो बाबा ने कहा, उस रचना से अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दो, तुम रचयिता हो, तुम सर्वशक्तिमान बाप की संतान हो। बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए कहा, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बीच में ट्रैफिक है तो जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे। या यूं कह लीजिए, अगर हमें ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो समय के ऊपर अगर अटेंशन नहीं होगा तो वो फ्लाइट या वो ट्रेन हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार शिव बाबा बोले, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, रुकावटें हैं, अनेक प्रकार की व्यर्थ की बातों में हमने अंदर एक ट्रैफिक मचा रखा है, तो जो ये बिल्कुल विनाश के वक्त एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है धर्म के स्थापना की निमित्त बनने के लिए, नवनिर्माण के निमित्त बनने के लिए, उसमें हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा ने कहा, अब एक सेकंड भी व्यर्थ में नहीं भेजने देना खुद को, बिल्कुल नहीं जाने देना व्यर्थ में। अगर युगल हो, एक युगल चाह रहा है कि पवित्रता है, एक मान लिया है कि हमने विजय प्राप्त कर ली है और दूसरा उसका समर्थन ना दे, तो ये ज्ञान की कमी की बात है। तो युगल भी हैं तो जोड़ी के रूप में चलें। और जैसे कि पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा कि बाप को ही युगल बनाएं, युगल मूरत बन करके रहें। बाबा ने कहा, शूरवीर उसे कहा जाएगा जो कि अपने समय को अपनी समस्याओं को ठीक करने में इस्तेमाल करने की जगह सेवा में इस्तेमाल करता है, सेवा में उसे सफल करता है, यूटिलाइज करता है। बाबा ने कहा, अब केवल रूह को देखना है, क्योंकि जब रूह रूह को देखेगी तभी राहत की प्राप्ति होगी। शिव बाबा बोले कि संपूर्ण हक अगर प्राप्त करना है, मतलब आत्मा का जो एब्सोल्यूट 100% स्टेट है, अगर उसकी प्राप्ति चाहिए तो संपूर्ण आहुति भी देनी पड़ेगी। हम ये चाह लें कि हम अपनी आहुति में कमी कर दें और हमें प्राप्ति फिर भी हो जाएगी, बाबा ने कहा ये असंभव है। अगर संपूर्ण हक की प्राप्ति करना है तो संपूर्ण आहुति भी देनी पड़ेगी। एक बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा ने कहा है कि इनिशियली लोगों को जब ज्ञान में अनेक आत्माएं आईं, तो उनको वैराग्य दिलाना पड़ता था इस पुरानी दुनिया से, और इसी कारणवश शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला। लेकिन आज की दुनिया जो बन गई है उसमें वैराग्य दिलाने जैसा कुछ बचा नहीं है। संबंध, वायुमंडल, खान पान, आसपास का लोगों का बिलीफ सिस्टम, आजकल की जनरेशन की मान्यताएं, ये सारी चीज़ें अपने आप उस व्यक्ति को नापसंद हो जाएंगी जो वास्तव में धर्म को मानता है, स्वधर्म में रहना चाहता है। तो बाबा ने इसीलिए कहा, बीज डालेंगे फल बहुत जल्दी निकल आएगा, केवल ध्यान रखना पड़ेगा पालना का, देखभाल का, कि कहीं वो फल सड़ ना जाए, बिल्कुल एब्सोल्यूट नजर रखनी पड़ेगी। बाबा ने ये भी समझाया, और अगर हम ध्यान से देखें तो आजकल के टाइम को अगर कोई व्यक्ति साइंस की भी तीसरी नजर से देखने की कोशिश करे,
तो निश्चित ही इस दुनिया के विनाश से कोई रोक नहीं पाएगा उसे। अब तो साइंस भी क्लेम कर रही है कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं उनसे मनुष्य अपना ही डिस्ट्रक्शन कर लेगा, अपना ही विनाश कर लेगा। तो ऐसे समय पर अगर हम केवल अपना दुख देखेंगे तो और निर्बल होते जाएंगे, लेकिन अगर ये समझेंगे कि जो अत्याचार या जो भी दुख, समस्याएं, पीड़ा किसी एक व्यक्ति के मनुष्य में है, वो अभी समस्त विश्व में मौजूद है, हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है, तो ऐसी एक दुनिया को समाप्त करने के लिए, या यूं कह लें एक नई दुनिया बनाने के लिए, अपने आप को 100% रेडी करने के लिए वो शक्ति अपने अंदर जमा करनी पड़ेगी, कमजोरी को मिटाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा सदा अपने संबंध, कि तुम्हारा संबंध है कौन, तुम्हारा संबंध है किससे, ये बात की स्मृति कभी ना भूले, क्योंकि ये भूलती है तभी कमजोरी को इनविटेशन मिलता है। और दूसरा, अपना वंश कभी भी विस्मृत ना हो कि तुम कौन से वंश से बिलोंग करते हो। बाबा ने ये भी समझाया कि अगर एक को याद करने से, ध्यान से सुने हम सब, अगर एक को याद करने से सर्व की प्राप्ति हो रही है और दूसरी ओर सर्व को याद करने से कोई भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अच्छा सौदा किस खाते में जाएगा। एक तरफ है एक को याद करने से सर्व प्राप्तियां और दूसरी ओर है सर्व को याद करने से जीरो प्राप्ति। बाबा ने कहा खुद डिसाइड करो किस ओर तुम्हें अपने कदम को रखना है। होशियार वर्ड का इस्तेमाल होता है। बाबा ने कहा होशियार अर्थात वो जो होश में रहे। आजकल डाकू क्या करते हैं, नाक पे लगाया बेहोश होने की दवाई और वो पर्टिकुलर व्यक्ति बेहोश हो गया, होश में नहीं है, तो अब उसके साथ कोई भी अत्याचार हो सकता है। बाबा ने कहा होशियार रहो, सदा होश में रहो, अलर्ट रहो, कॉन्शियस रहो, तो ऐसी परिस्थितियों का भी एक तरीके से एब्सोल्यूट जजमेंट करने की शक्ति मिल जाएगी, हिंदी में कहें तो निर्णय लेने की शक्ति मिल जाएगी। बाबा ने इशारा देते हुए कहा कि आपके परिवर्तन से अनेक आत्माएं संतुष्ट होंगी और ये संतुष्टता ही बाबा की प्रत्यक्षता कराएगी। जिस प्रकार पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है, ठीक ऐसे ही बाबा ने कहा किसी किसी परिस्थिति में किसी आत्मा को ढीला छोड़ने से ही उनको खिंचाव मिल सकती है। या यूं भी कह लें कि जैसे पवन पुत्र ने जन्म दिया था किसको, हनुमान को, उनके पिता माने जाते हैं ना, प्रसाद माने जाते हैं हनुमान, तो पवन अर्थात हल्का, लाइट, और हनुमान अर्थात महावीर, तो जो लाइट है वही शक्ति का आवाहन कर सकता है, वही शक्तिशाली बन सकता है। बाबा ने कहा कि कमजोरी तो ईश्वर को याद करने से दूर हो ही जाएगी, ये फाइनल है, लेकिन निर्णय केवल और केवल हम कहां जाएंगे, सत्ययुग या त्रेता युग, वो हमारे पुरुषार्थ से ही डिसाइड होगा। पुरुषार्थ ही सत्ययुग अवश्य जाएगा, जो निरंतर पुरुषार्थ में है अपनी कमियों को खत्म करने के लिए, और जिनके अंदर त्रुटि अभी भी बाकी है और उसके ऊपर कोई पुरुषार्थ नाम की चीज चल ही नहीं रही है, वो त्रेता युग के भागीदारी होंगे। ओम शांति।